हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कनेर की कटिंग आप कैसे ला सकते हैं। तो ये है रोड डिवाइडर और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कनेर के प्लांट लगे हुए हैं। एक महीने पहले मैं आई थी तब इसकी कटिंग हो गई थी और एक महीने बाद आई हूँ तो यहाँ पर अब फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो फूल बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का जो भी आपको कलर चाहिए उस कलर की एक टहनी ले सकते हैं। पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है पेंसिल जितनी मोटी है। ये वाइट कलर का कनेर का पौधा है, उसकी मैंने कटिंग ली है। और जैसे कि हम कटिंग कहीं से लेते हैं तो हमें क्या करना है कि इसको न्यूज़पेपर में रैप कर लीजिए गीला करके, अगर आप दूर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को 5 मिनट लगेंगे अपने घर के लिए। तो मैंने एक पॉलीथीन ली है और उसमें रख दिया अपनी कटिंग को। अब मैं पिंक कलर की एक और डार्क पिंक है ये, इसकी कटिंग ले रही हूँ। बहुत ही मोटी नहीं लेनी है आपको, बहुत सॉफ्ट होती है ये। एक तरह से ये आपके फ्री के प्लांट हैं, बरसातों में ये कटिंग्स बहुत आराम से लग जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये 16 फुट चौड़ा डिवाइडर है और इसके अंदर बहुत अच्छी गार्डनिंग हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और पूरा कनेर के प्लांट से ये भर रहा है, सर्कल बना रखा है और उसके अंदर इन्होंने मल्टी कलर के कनेर के प्लांट्स लगा रखे हैं और हवा बहुत तेज़ है। और इस डिवाइडर के अंदर वाइट पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, और मैं आपको एक हॉपर दिखा रही हूँ, ग्रास हॉपर जिसे हम टिड्डा कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। भगवान जी ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है, मैंने इसे पहली बार देखा है ऐसे टिड्डे को। और ये देखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। और मैं पास से दिखाती हूँ आपको, कलर कितने सुंदर हैं इसके, थोड़ा डर भी लग रहा है। ये पत्ता बीच में आ गया है, ये देखिए, कितने सारे कलर शेड हैं इसके अंदर। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे कलर शेड भगवान ने इसके अंदर भर रखे हैं। बहुत ही फुर्सत में बैठा हुआ है ये भी। तो चलिए बात करते हैं कि ये देखिए, ये है डार्क पिंक कलर, इसके अंदर सिंगल पेटल के फ्लावर्स हैं, इसमें डबल पेटल के फ्लावर्स भी आते हैं। इस टहनी को आप तोड़ लीजिए, क्योंकि हमेशा आपके पास कटर तो नहीं होगा, तो ये मैंने तोड़ लिया है और इसको मैं घर जाके लगाऊंगी। पेंसिल जितनी मोटी आप ले लीजिए कटिंग, और ये बड़े सॉफ्ट वुड होती है, इसकी कटिंग आप आराम से टहनी को तोड़ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं घर आ गई हूँ अपने। तो घर आते ही तो आप लगा नहीं देंगे, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक कंटेनर में, मग्गे में पानी लेकर ये सब कटिंग मैंने डाल दी है और इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया है, ताकि आधा एक घंटे बाद जब भी मैं लगाऊँ तो ये फ्रेश हो। तो देखिए, मेरी कटिंग्स बिल्कुल फ्रेश हैं, एक घंटा हो चुका है इसे। और मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। आपका जो भी गमला है जिसमें प्लांट बहुत हेल्दी है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से ही प्लांटर तैयार करने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कटिंग का सारी पत्तियाँ हटा दूँगी। और ये नीचे से मैं कटर से ना काट के चाकू से काटूँगी। एक ही बार में आप काटिए, जैसे कलम होती है उस तरह से काट दीजिए आप। और मैं इसमें ना तो रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी ना कुछ और, मतलब दालचीनी पाउडर नहीं लगाऊंगी, और इसे ऐसे ही लगा दूंगी। डेढ़ दो इंची तक आप इसे गाड़ दीजिए। ये
ये देखिए, इसके नीचे से इसको शार्प कट कर दूंगी और सारी पत्तियां हटा दूंगी और इसके अंदर छोड़ दूंगी एक पत्ती। और ये भी आधी कर दी है मैंने। मैं थोड़ी सी पत्ती इसलिए रखती हूँ कि मुझे पता रहे कि जो आपकी कटिंग है वो ग्रीन है। पत्ता ग्रीन रहेगा तो बार बार छेड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा कारण ये है कि जो हम कलम लगाते हैं तो वो अपनी जो ग्रोथ है, जो अपनी एनर्जी है, वो पत्ते के ऊपर वेस्ट ना करें, वो नई नई शूट्स निकालने में उस एनर्जी को लगाएं। इसलिए भी मैं सारे पत्ते हटा देती हूँ। यहाँ से पत्तियाँ आती तो इसके नीचे से ही मैंने देखिए कट किया है और ये स्ट्रेट कट की है आपकी। आप चाकू से, ब्लेड से काट सकते हैं। इन दिनों में रूटिंग हार्मोन की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैंने ऐसे ही लगा दिया ये। और मिट्टी को चारों तरफ से आप दबा दीजिए और कटिंग लगाने के बाद आप उसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ बारिश का ज़्यादा पानी ना हो। ज़्यादा पानी आने से कटिंग गल जाएगी। तो मैं आपको ऐसी कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने पिछले साल लगाई थी और उसकी ग्रोथ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा एक साल हो गया इस प्लांट को। अब ये पूरा प्लांट है। इसकी हाइट मैंने छोटी रखी हुई है, काट छाट के मैंने एक बोनसाई बना रखा है इसको। फ्लावरिंग तो मुझे पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको इतना ही रखना चाहती हूँ क्योंकि एक मिनिएचर में मैंने इसको लगा रखा है। तो इसकी पत्तियाँ मैं टाइम टाइम पे काटती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। होगी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।